Heat engine can be classified in two different types. First of which is external combustion engine, as the name suggests, कि आपके अंदर का इस इंजन के अंदर का जो आपका फ्लूड रहेगा, वर्किंग फ्लूड रहेगा, फिर जो वर्किंग सब्सटेंस रहेगा, राइट, इस केस में उसको इंजन के बाहर ही हीट कर दिया जाता है. लेट मी गिव एन एग्जांपल, स्टीम इंजन इज एन गुड एग्जांपल, जिसमें स्टीम को हम पहले ही वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करते हैं बाहर से, फिर उसको इंजन के अंदर डालते, राइट. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कंबशन इंजन. और दूसरा हो जाएगा मेरा इंटरनल कंबशन इंजन. सो इट कैन बी क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट टाइप्स, एक्सटर्नल combustion and another one is internal combustion. So external combustion में मेरा जो working material होगा उसको हम बाहर heat कर देते हैं, while internal में हम उसको क्या करते हैं, engine के अंदर heat करते हैं. So मतलब हमारा जो पूरा setup होता है उसके अंदर heat करते हैं. इसका example क्या हो गया आपका, automobile engine. इसमें क्या करते हैं, इसमें जो हमारा इंजन होता है उसके अंदर ही हीट होता है ना, जैसे हमारा नॉर्मल जो बाइक का है, कार का इंजन होता है, उसमें क्या होता है कि हमारा फ्यूल जो होता है उसको स्पार्क प्लग से हम क्या करते हैं, एक स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं, पूरा बर्न कर देते हैं. तो ये इंजन के अंदर ही हो रहा है, राइट. बट स्टीम इंजन जैसे केसेस में ये बाहर हो सकता है, स्टीम बाहर से प्रोड्यूस की जाती है. आप भी ऐसा नहीं देखोगे स्टीम इंजन आप पहले पानी डाल रहे हो फिर वो पानी गर्म हो रहा है, राइट. उसको अलग से पहले हम उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं फिर उसको इंजन के अंदर डालते हैं. सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स. अब कोई भी टाइप का हो, नॉर्मली एक जो इंजन होता है तीन अलग अलग लेवल्स पे काम करता है, तीन अलग अलग प्रोसेस करता है, और तीन प्रोसेस के बाद आपका इसका काम पूरा हो जाता है. सबसे पहली चीज़ क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स हीट. कहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा ये, फ्रॉम हॉट रिजर्वॉयर. फर्स्ट स्टेप विल बी कि जो भी आपका हॉट रिजर्वायर होगा वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेगा. अब हीट को एब्जॉर्ब करके करेगा क्या, तो ये आगे जाके इंजन को देगा इसको. सो इंजन क्या करेगा, इंजन इंजन को देने के बाद इंजन क्या करेगा, उसको वर्क में कन्वर्ट करेगा. दिस हीट विल बी, अब ये पूरा तो हो नहीं सकता, पार्शली converted to work, right? Partially work में convert होगा. अब जैसे मैंने बोला partially convert होगा, इसका मतलब कुछ amount of heat फिर भी बच जाएगा ना. So third step क्या होगा, third step will be the remaining amount of heat. तो आपका remaining heat होगा उसके बाद क्या होगा, उसको कर दिया जाएगा dump. will be dumped in sink. ये sink क्या है, ये sink ही आपका cold reservoir है. cold reservoir. so basically any engine follows this three step. first it absorbs heat from hot reservoir. it will convert this heat partially into work, and then the remaining heat will be dumped into the sink. what is sink, that is cold reservoir. okay. तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली इस पूरे को रिप्रेजेंट करने ट्राई करूं तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, और इसका जो डायग्राम होगा वो कैसा दिखेगा, उसे इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे वो देखते हैं हम.